साबुदाना खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, पर एक बार ये हेल्दी, टेस्टी एंड यूनिक रेसिपी ट्राई करके देखिए। एक पैन में घी गरम करें, उसमें कच्ची मूंगफली डाल के रोस्ट करें। गैस बिल्कुल धीमी रखें, बादाम डालें, काजू डालें और तीनों को एक साथ रोस्ट करें। जब कलर चेंज होने लगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो तीनों को निकाल लें। इसी पैन में मखाने फ्राई करें, बिल्कुल धीमी गैस रखते हुए जब तक क्रिस्प नहीं हो जाएं, इनको रोस्ट करें और निकाल लें। पैन में थोड़ा सा घी डालें, इसमें जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, ताज़ा करी पत्ता, कटे हुए आलू डालकर सौते करें और 2 मिनट के लिए ढककर कुक कर लें। इसमें कटे हुए टमाटर और सेंधा नमक डालें। करीब 2.5 कप पानी डालकर इसमें धुला हुआ और आधा घंटा भीगा हुआ साबुदाना डालिए। जस्ट 2 मिनट के लिए इसे और कुक करें। अब हमारा साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें गुड़ का पाउडर या चीनी डालें, काली मिर्च पाउडर, रोस्टेड ड्राई नट्स डालकर बस 1 मिनट में गैस बंद कर दीजिए। इसमें ताज़ा कटा हरा धनिया और नींबू का रस डालिए। सीजनिंग चेक करें और गर्मा गर्म सर्व करें।